everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing absolutely great. In today's video, I am going to be sharing with you what I learned from this lockdown. Of course, we come to know that how important money is. और उससे भी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट हमको पता चला कि सेविंग कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सेविंग के ऊपर हम इंडियन इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम एक्सपेंस पे ध्यान देते हैं, बट ये उल्टा होना चाहिए। हमको सेविंग ज्यादा होनी चाहिए, 60% हमारी सेविंग होनी चाहिए और 40% हमारा एक्सपेंस होना चाहिए थ्रू आउट फ्रॉम अवर इनकम। तो ये जो इकोनॉमिक हमारा जो समीकरण है, ये हमने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि सेविंग आपका इतना होना चाहिए। अगर आपके पास एक साल के लिए जॉब नहीं भी है या फिर आप कुछ जॉब एक साल के लिए नहीं करना चाहते हैं, तो भी आपके पास में एक साल का सेविंग होना चाहिए। और ये लॉकडाउन में अच्छी तरह से सबको पता चल ही गया है, तो इसलिए हम किस तरह से अपना सेविंग को ज्यादा इम्पोर्टेंट दे सकते हैं और सेविंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। मैंने भी अपने लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है एंड आई कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर। सो यस गाइस, आई एम शेयरिंग विद यू दिस इंपॉर्टेंट टिप्स। गाइस, नंबर वन टिप्स इज दैट बाय एवरीथिंग बाय कैश, क्योंकि कैश से बाय करने से क्या होगा, आपका जो मतलब पैसे आपके जा रहे हैं वो आपको विजुअली दिखाई देंगे और ये बहुत ज्यादा मेंटली इफेक्ट करता है। अगर आप जो देखते हैं वही आपके दिमाग में जाता है। अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे इतने सारे पैसे आउटफ्लो हो रहा है, तो इससे वजह से आप आपके जो बाइंग का जो आपका रेट है वो आप कम कर देंगे। और अगर आप ऑनलाइन बाय करते हैं तो वो आपको इतना ज्यादा इम्पेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो मतलब अकाउंट से पैसे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है कि आप कुछ भी बाय करते टाइम कैश से बाय करिए। अगर आपको कैश कैरी करने की हैबिट नहीं है तो वो हैबिट डाल दीजिए, क्योंकि कैश अगर आपके पास होगी तो वो अगर आपसे जाएगी, आपके पर्स से या पॉकेट से जाएगी, तो वो ऑफकोर्स आपको इम्पेक्ट करता ही है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स है एंड आई वुड हाईली सजेस्ट यू दैट बाय एवरीथिंग बाय कैश। नेक्स्ट टिप इज दैट मेक अ बजट, बिकॉज क्या होगा, अगर आपका बजट होगा तो आपको पता होगा कि मुझे ये लिमिटेशन है, मुझे इस लिमिटेशन या फिर बाउंड्री आप कह सकते हैं इसके अंदर ही मुझे खर्च करना है। जिसके वजह से अगर आप इम्पल्सिव बायर होगे, जो मतलब आप कुछ भी खरीद लेते हैं जो आपको नहीं भी चाहिए है, उस पर आपको कंट्रोल होगा। तो ये आप बजट का ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि बजट ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो भी हाईली सक्सेसफुल पीपल है वो बजट जरूर बनाते हैं, क्योंकि बजट एक ऐसी चीज है जो आपके जो भी आपका खर्चा है वो आपको बचा देती है। क्योंकि बजट की वजह से आपको पता होता है कि मेरा इतना ज्यादा पैसा था जो मैंने इतना यूज करना है, मुझे सपोज 20,000 है तो 18,000 का मुझे खर्च करना है और 2,000 मेरे साइड में रखने एज अ सेविंग। बट अगर आप बजट नहीं बनाते हैं तो आप रेंडमली कुछ भी बाय कर लेते हैं जो आपको नहीं भी चाहिए है, तो ट्राई टू मेक अ बजट। नंबर थ्री टिप्स इज दैट आपकी नीड और वांट आपको स्पेसिफिक करना होगा। वांट और नीड नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। नीड मतलब आपको ये चीज चाहिए ही चाहिए है, और वांट मतलब आपको चाहिए नहीं है लेकिन आपका वो शौक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास दो जीन्स है दैट इज इनफ फॉर सर्वाइव, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं बेल बॉटम भी लूँ, मैं ये ट्रेंड में आया है तो ये भी लूँ, चार पांच जीन्स में ले लूंगी, तो क्या होगा, मेरा जो कंट्रोल है अपने आप पे वो चला जाएगा और जो एट द एंड मेरा बजट होगा वो बिल्कुल ही बिखर जाएगा। इसलिए आपको वांट और नीड, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि अगर आपके कुछ शौक है वो आप पूरा मत कीजिए, लेकिन कुछ हद में आपके शौक को पूरा कीजिए, मतलब उनको कंट्रोल रखने का पावर आप रखिए कि ये मुझे नहीं चाहिए और ये मुझे बहुत ही नीड है इसकी, तो मैं वो नीड को लूंगी और जो मुझे मतलब एज अ शौक मैं चाहती हूँ उस पर मैं थोड़ा साइड में रख लूँ, और वो करना भी चाहती हूँ तो भी मैं क्या करूँगी, वो थोड़ा थोड़ा सेविंग करूँगी और उसके बाद में वो लूँगी। तो मतलब ऐसा क्या होगा कि आप एक तो बहुत अपने आप में कंट्रोल कर पाएंगे। तो नीड और वांट पे आप जरूर फोकस कीजिए, और नीड के लिए आप ज्यादा फोकस कीजिए और जो वांट है उसको आप थोड़ा सा साइड में रख दीजिए। नंबर फोर टिप्स इज दैट आपको अगर कोई चीज चाहिए है जो आपको मतलब वांट है आपकी, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली चीज है, तो आप वो इंस्टॉलमेंट पे या फिर लोन पे मत लीजिए। इसके अलावा आप हर महीने में अपने पास में सेविंग करते जाइए। 12 महीने लगेंगे या फिर 2 साल लगेंगे, लेकिन वो आप अपने आप में सेविंग करते जाइए और
दो साल के बाद या एक साल के बाद, इट डिपेंड ऑन क्या आप लेना चाहते हैं, तो आप वैसा करके लीजिए। मतलब मैं कहना क्या चाहती हूँ कि लोन आप मत लीजिए, क्योंकि लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो आप क्यों पे करेंगे जब आप सेव करके वो चीज़ ले सकते हैं। तो मैं पर्सनली लोन लेना बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ। तो आपको जो भी चाहिए है वो आपके मतलब खुद के पैसों से, मतलब ओन मनी से लीजिए लोन ना लेते हुए, क्योंकि लोन में आपका एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट जा रहा है वो आई डोंट थिंक कि वर्थ है। तो अगर आपकी 60,000 की मतलब आपको चीज लेने चाहते हैं तो वो इंटरेस्ट पे आपको लग जाएगी 70,000 to 80,000 की। तो मतलब 10,000 to 20,000 आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्यों पे कर रहे हैं, क्या वजह है? इससे बेटर है कि आप सेव करिए और जब आपके पास इनफ पैसे हो जाएंगे तो आप तब वो लीजिए। सो नंबर 5 टिप्स इज दैट, मैं कब से सेविंग बोल रही हूँ, बट आपकी सेविंग तब तक नहीं होगी जब तक आप आपका जो पर्पस है वो नहीं ढूंढेंगे या फिर आपका गोल नहीं ढूंढेंगे। आखिर आप सेविंग क्यों करना चाहते हैं? आपको कुछ लेना है तो आप स्पेसिफिकली वो गोल डिसाइड कर लीजिए कि आई वॉन्ट टू व्हीलर, आई डोंट हैव टू व्हीलर, आई एम प्लानिंग टू बाय टू व्हीलर, तो उसके लिए मुझे सेविंग करना है। और ये जो भी पर्पस या फिर गोल है ये हर किसी का अलग अलग हो सकता है, तो पर्टिकुलर आपका जो भी पर्पस है वो आप पहले तो डिसाइड कर लीजिए कि आखिर में आपको सेविंग क्यों करना है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपका पर्पस नहीं होगा तो वो एक आप ब्लाइंडली मतलब चल रहे हैं जिसका कुछ भी मतलब डेस्टिनेशन नहीं है। तो इसलिए आप एक गोल डिसाइड करिए और उसी के बाद में आपका सेविंग आप करिए। तो इससे क्या होगा, आपको आपके दिमाग में वो एक मतलब गोल होगा कि हाँ मुझे ये लेना है और इसके लिए मुझे सेविंग करना ही करना है। अदरवाइज आप बीच में ही आपका सेविंग करना रुक देंगे अगर आपका कोई भी मोटिव नहीं होगा। तो मेक श्योर टू कीप अ गोल इन फ्रंट ऑफ यू व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू सेविंग। So yeah guys, that's it for today's video. I really hope आपने video enjoy किया होगा। This all are my 5 top secret tips which I have shared with you. और जो share किए हैं वो I'm sure आप follow करेंगे और आपके life में भी बहुत सारे difference आप नजर आएंगे आपको। तो अगर आपको ये video पसंद आया होगा then you know the drill, like, share and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Until then.